या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम बच्चों की शाम बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीबल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या नूरल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम बच्चों की शाम में होते हैं अमेजिंग सेगमेंट्स। और आज सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह करीम का आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे यह पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन आए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शान أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله।
मुहिब भाई आपने तिलावत कुरान पाक की, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाया, अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स बंदिशों के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आज का सवाल। बच्चों की शान। आज का सवाल यह है कि अल्लाह पाक की तरफ से जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या होगा। अल्लाह पाक की तरफ से जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या होगा। प्यारे बच्चे और किड्स बंदिशों के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान। सल्ले अला नबीना, सल्ले सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मद मदिन। गया सर है वो सर
रखा वैद से का उन्हें जाना उन्हें सब तो मदीने पहुँचे जानो दिल हो शो शो खिरद सब तो मदीने पहुँचे जानो दिल हो शो खिरद सब चने मदीने को मैं न जाऊं अरे खुदा न करे तुम नहीं चल भाई अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको मदीने पाक में भी नाते गुनगुनाना नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपको फैज हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स बंदिश के नाज़रीन, जो मैंने आपसे आज का सवाल किया वो सवाल ये है कि अल्लाह पाक की तरफ से जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या होगा। प्यारे बच्चे और किड्स बंदिश के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अमीरा अहले सुन्नत और हसन रज़ा। बच्चों की सलाम ने अपने सबसे पहले बेटे का नाम क्या रखा था? अब्दुल रहमान।
बच्चों की शान। अमीर अली सुन्नत और हसन रजा सेगमेंट हमने देखा, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। अमीर हसन रजा सवाल कर रहे थे और अमीर अली सुन्नत उसका जवाब दे रहे थे। प्यारे बच्चों अगर चमनी चाहिए नाजीन आए बढ़ते हैं आपकी कॉल की तरफ। मेरा नाम मुकद्दर रहमान है, मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। क़यामत के दिन जन्नतियों को अल्लाह का दीदार होगा। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम गाइड में मैं भी दुरुस्त जवाब दोहराऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बरीना आयशा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी इंग्लिश में। आई मस्ट हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हर सगा भी ये नबी, सब सगा भी यात भी चार यारा ने नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान अली, फातिमा और अली, है हसन हुसैन भी, हर्ज़ा जैन भी, है मुआविया भी और अबू सुफियान भी। जी नेक्स्ट सवाल। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्दुल माजिद है, मैं बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। रमजान भाई, हमें आपका प्रोग्राम बच्चों की शान बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है, जन्नत को सबसे बड़ा इनाम यह दिया जाएगा कि उन्हें दीदार इलाही नसीब होगा। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और इंशाल्लाह 8 बजे प्रोग्राम के एंड में मैं भी दुरुस्त जवाब दोहराऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान है, मैं शाहपुर जाना से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब दे के जन्नतों में अल्लाह का दीदार नसीब होगा। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। बच्चों की शाम जिंदाबाद। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम दुआ है, मैं शाहजहाँपुर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों का बहुत अच्छा लगता है। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब है, जन्नतियों का अल्लाह का दीदार नसीब होगा। किस मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकअल्लाह खैर आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं रामचंद्र से अर्ज कर रहा हूँ। आज का जवाब है, जन्नतियों का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार है। जी आपने भी सवाल का जवाब दिया इंशाल्लाह प्रोग्राम गाइड में मैं भी दुरुस्त जवाब दोहराऊंगा। प्यारे बच्चों और गर्चमंदी चाहिए नाचिन आए बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की सेगमेंट है इम्तिहान। जी इसमें होते हैं सवाल और आप देते हैं उसके जवाब। चलो पहला सवाल करने जा रहा हूँ, वो बताएं वो अशार वाला कलाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं। जी वो अशार वाला कलाम, अब आप वापसी सुन लें, जो अशार वाला कलाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रजा तारी, उसे नात कहते हैं। जी आपने जवाब दिया उसे नात कहते हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हमारे हामिद भाई ने जुल्फे भी रखी हुई, हमें भी चाहिए कि हम भी जुल्फे रखें।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? वापसी सुन लें, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? जी चले आप जवाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहम्मद माज अतारी है। जी माज भाई, सूरह नास। सूरह नास जी, इन्होंने जवाब दिया सूरह नास। आप क्या कहते हैं, जवाब दुरुस्त? आपने भी हाथ उठाया था। सूरह नास जवाब दुरुस्त है इनका मतलब। अच्छा आमिर भाई, क्या जवाब देंगे आप? सूरह नास। सूरह नास और हमारे माज भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सवाल किया था कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी, और इन्होंने जवाब दिया सूरह नास, और इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा अगला सवाल, किन्नों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किन्नों को? चले आप जो ऑरेंज। ऑरेंज कहते हैं जी। आपका नाम क्या है? सैयद हसन। माइक में बता दें आप। सैयद हसन। जी सैयद हसन भाई, ऑरेंज कह रहे हैं आप। जी आमिर भाई। ऑरेंज। ऑरेंज अफीफ भाई। जी उजफा भाई। ऑरेंज जो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मैंने सवाल किया था कि किन्नू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जवाब है ऑरेंज, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, लफ्ज मान को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? लफ्ज मान को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लफ्ज मान को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? जी आप जवाब दें। चलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जमील रजा है। जी लफ्ज मान को अगर हम उल्टा बनेंगे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? नान। मान को? जी मीम अलिफ नून, इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? नाम। नाम जी, क्या कहना है आपका? जो इनका जवाब दुरुस्त है नहीं, फिर क्या बनेगा बताए? माइक में बता दें। है ना, मेरा सवाल ये किया कि मान को मतलब मीम अलिफ नून को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? इन्होंने बोला है ना। चले हामिद भाई जवाब देंगे, माइक में बता देना क्या जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लफ्ज मान को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो नाम बनेगा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि एक शख्स के पास 10 अनार, सोच के जवाब देना इसका। एक शख्स के पास 10 अनार हैं, अगर वो 2 अनार अपने पास रख लेता है, और फिर 4 बच्चों में वो 2-2 अनार 4 बच्चों में बराबर तकसीम कर देता है, तो बताएं हर बच्चे के पास कितना अनार आएंगे? दोबारा सुन लें, एक शख्स के पास 10 अनार हैं, 2 अनार अपने पास रख लेते हैं, और 4 बच्चों में बराबर बराबर तकसीम कर देते हैं, तो बताएं कि हर बच्चे के पास कितने अनार आएंगे? जी बताएं। 2 2 कंफर्म है? जी अफीफ भाई। ये 2 ही आएगा। 2 ही आएंगे। 2 ही आएंगे। अफीफ भाई भी कह रहे हैं 2। आप बताएं क्या है? 2 ही आएगा। 2। अच्छा माज भाई अफीफ भाई के भाई, चले आप बताएं कि आपके भाई का जवाब दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा आप बताओ जफर, दुरुस्त है। और इस तरह हमारे हामिद भाई ने सबसे पहले जवाब दिया था, और हमारे हामिद भाई का जवाब, अफीफ भाई ने जवाब दिया उनका जवाब, और माज भाई का और जफर भाई का, इन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त गए। एक शख्स के पास 10 अनार हैं, और अगर वो 2 अनार खुद रख लेता है, और बाकी 4 बच्चों में अनार तकसीम कर देता है, बराबर बराबर तकसीम कर देता है, तो जवाब ये देना था कि बताएं हर बच्चे के पास कितने अनार आएंगे, और इन्होंने जवाब दिया 2 आने का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आए प्यारे बच्चों, किस्मत शेख नाजीन, बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल भाई, मैं डेरा इस्माइल खान और नई वेला से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब है अल्लाह ताला का दीदार, जज़ाकअल्लाह खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अमाल है, मैं पाकिस्तान से
बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। रमजान भाई आपके सवाल का जवाब है अल्लाह पाक का दीदार। जज़ाकअल्लाह खैरा। जज़ाकअल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। रमजान भाई मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे शौक से देखता हूँ। मैं आज आपको बद्दी बख्शत सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। आप हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम शौक से देखते हैं तो अपने दोस्तों को भी दावत दें कि प्रोग्राम बच्चों की शाम आता है तो आप उसे देखा करें। प्यारे बच्चों अगर समझी चंग नासीन आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तस्किरा है कुरान। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं मुज़फ़्फ़र भाई? अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मुज़फ़्फ़र भाई। प्यारे बच्चों और क्रिसमस चले के नाज़रीन, कुरान पाक में जिन लोगों का जिक्र आया है उनमें से आज हम अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आइए इनमें से एक आयत हम भी सुनते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और अल्लाह पाक ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। प्यारे बच्चों सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम से पहले इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी और कोई भी इंसान नहीं था, और इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वाइफ हज़रत हवा रज़ी अल्लाहु अन्हा को इस दुनिया में भेजा, फिर उनकी पूरी फैमिली बन गई और ताकि इस दुनिया में इंसान आए। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर द फादर ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं, यानी तमाम इंसानों के फादर। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ही आपके पैदाइश की गुड न्यूज़ फरिश्तों को दे दी थी ताकि फरिश्तों को भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वैल्यू का पता चल जाए। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह पाक ने जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी दिन उन्हें ज़मीन पर उतारा, और इसी दिन उनका इंतकाल शरीफ हुआ। और इसी दिन में एक ऐसा टाइम है जिसमें अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करता है, बस हराम चीज़ ना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत सारा इल्म दिया। इस इल्म में अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम, उनकी क्वालिटीज़ और वो चीज़ें कैसे बनती हैं ये सब सिखा दिया। सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक इन पर रहमत हो, उनके सदके हम सब की बेहिसाब मगफरत। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई आप हमारे प्रोग्राम में। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और कुछ मंदी चेंगे नाज़रीन आए बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारे बच्चे। बच्चों की शाम। और सहाब ये नबी जन्नती जन्नती चायराने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उससे माने गली जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हसैन भी जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफयान भी जन्नती जन्नती हर रोज़ा ए नबी जन्नती 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 जन्नती। मैं नाम अश्वानी और मैं काबिल से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। मेरा नाम सीरत पद्मा है, मैं नर्वस से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाचनांगी मुस्तफा मुस्तफा रहमत दो जहां इसको दो भी मिला तेरे सदके मिला रोजे माहे सरा में तुम नहीं भूले आंखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद डाले चचा हो दोनों जहां की डाले चचा हो दोनों जहां की कर लो वजीफा
जहाँ थे वो प्यारे, हम सब पे हैं सहारे। अच्छा बुरा बताया, जीना हमें सिखाया, करता उनका प्यारा जैसो चांद तारा। भेजो दुरूद उन पर, भेजो सलाम उन पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी जल्लाया माफी कल्पी केरला ला इलाहा इल्लल्ला रसपी रब्बी जल्लाला माफी कल्पी केरला ला इलाहा इल्लल्ला। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। प्यारे बच्चों, अगर समझ शेख नाजीन, ये था हमारा सेगमेंट हमारे बच्चे, जिसमें हमने वीडियोस देखी कुछ हमारे बच्चों की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ इन्होंने नारे लगाए और कुछ ने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। प्यारे बच्चों, अगर समझ शेख नाजीन, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल की तरफ। तारी और मैं हूँ मोहम्मद तल्हा अत्तारी, शहर चिन्नियोट से, मजान भाई। आज हम आपको ये शेर सुनाएंगे। आदते गुनाहों की हाय कम नहीं होती, आह नफ्स शैतान ने जोर से दबाया है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं खुज़ैमा तारी पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ, बच्चों की शाम सिलसिला बहुत अच्छा है। आज के सवाल का जवाब ये है, अल्लाह पाक का दीदार होगा हर सहाबिया नबी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फिजा, मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लाला माफी कल्बी गल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाला इलाहा इल्लल्ला। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी, नेक्स्ट कॉल। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। प्यारे बच्चे, और किड्स मदी शेखर आसिन, नाम पढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुआ। याद करें बच्चों की शाम। प्यारे बच्चे, और किड्स मदी शेखर आसिन, जब किसी बीमार की इयादत करें तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। वो दुआ क्या है, आइए मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आप हम सब मिलकर याद करेंगे। لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور، لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله، لا بأس طهور، لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله، لا بأس طهور، لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء، إن شاء الله. جي كيس كيس كو دعاء يادو، جلّي، سنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جي. ميرا نام محمد معا تاريه. لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। سبحان الله. जी हामिद भाई। لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हसन भाई। नहीं दस। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، جواب بالکل درست ہے۔ جی حفیظ بھائی۔ لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، حفیظ بھائی کا جواب بھی درست ہے۔ جی زفا بھائی۔ لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی آپ کو یاد، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، جی سب مل کے دہراتے ہیں، لا بأس طهور إن شاء الله، لا
لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله और इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला होगा। अल्लाह पाक हम जब भी जाएं तो हमें ये दुआ पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। हर सगा भी है नबी जन्नती जन्नती, सब सखाबियात भी जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान वली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। यार बच्चे और किस्मत के नाज़रीन, आज मैंने जो आपसे आज का सवाल किया था वो सवाल ये था कि अल्लाह पाक की तरफ से जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या होगा, और जवाब है जन्नतियों को अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम देखा, और जिन्होंने सही जवाब दिया उनको अल्लाह पाक बार बार मीठा मदीना दिखा, अल्लाह पाक जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिला नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इंशाल्लाह कल भी लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम बच्चों की शाम। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम बच्चों की शाम।